नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसे हम आशा करते हैं। एक नई वीडियो लेकर, एक नए पाम को लेकर आपके सामने, आपके बीच हाजिर हैं और इस हाथ को पढ़ने वाले हैं। मेनली इनका क्वेश्चन है कि भाग्य उदय कब होगा, कब भाग्य चमकेगा, कब किस्मत साथ देगी, कब इनके जीवन में एक अच्छा पल आएगा। तो हर चीज़, हर व्यक्ति का यही सवाल होता है कि कब उनके जीवन में खुशियाँ आनी स्टार्ट होंगी। उसका हाथ को पढ़ के बताएंगे कब से यहाँ पर अच्छा समय आने वाला है इनका। तो पूरा हाथ पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, मैसेज के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और सबसे पहले फिंगर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख पा रहे हैं वो तो स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है, और मतलब कह सकते हैं कि मेहनत काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी छोटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम हाथ की बात करें, हाथ के मुकाबले बात करें, फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है, जिसके वजह से जो होता है जल्दबाजी में व्यक्ति फैसले लेता है, मतलब क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है ज़्यादा की, तो ये नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि फिंगर्स की जो फोटोग्राफ है इस एंगल से खींची गई है, जिसकी इस एंगल से हमें छोटी दिख रही है, चाहे छोटी ना हो, लेकिन अगर छोटी है तो अपने फैसले में थोड़ा सा आप स्थिरता लाएं, मतलब जल्दबाजी में फैसले ना लिया करें और सोच समझ के फैसलों को लिया करें। अगर फिंगर्स की बात करें हम, फिंगर्स की लेंथ की, तो दोनों फिंगर अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वल होती हुई नज़र आ रही हैं। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों इक्वल होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि जब यहाँ पर व्यक्ति की जो दोनों फिंगर जो हैं इक्वल हो जाती हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य जो है लेट चमकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब आगे चमकता है तो उसके बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें उसके लिए होती हैं। तो 35वें वर्ष 36वें वर्ष में भाग्य उदय होने की चांसेस रहते हैं और काफ़ी अच्छा भाग्य उदय होता है। वैसे भी इनकी उम्र जो है 33 साल है, 33 ईयर्स, और यहाँ पर दिख भी रहा है, और आगे चलकर जो है मैं आपको बताऊँगा, और हाथ की लाइनों से भी मालूम चल रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर शनि की फिंगर की बात करें तो इस एंगल से पता नहीं चल सकेगा, लेकिन शनि की फिंगर, किसी फिंगर में टिल्टेशन नज़र नहीं आ रही है। टिल्टेशन नज़र आना मतलब आड़ी टेढ़ी फिंगर ना होना, कभी किसी ग्रह की तरफ झुका हुआ ना होना, तो पैसा ठीक ठाक रहेगा, एवरेज रहेगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा कमाने, और आगे चलकर जो है चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, बुध की फिंगर काफ़ी अच्छी है। बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस को क्रॉस कर रही है, तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहती है। और ऐसे ज़्यादा अगर मार्केटिंग की जॉब में रहें और जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की लोड होती है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और थंब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, हम कह सकते हैं हल्का सा स्टिफनेस नज़र आ रही है इसमें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अपने फैसलों पर जो निडर दिखने वाले व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं करने वाले व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, तो बात होगी फिंगर्स की, अब हम देखते हैं माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में आप क्या शो कर रहे हैं। पहले तो आप इनके गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत काफ़ी स्ट्रांग है इनके, और गुरु पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो गुरु पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिलना ये बताता है कि वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और जीवन में वो सुख जो है वो मिलेंगे इनको, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कमी रह जाएगी जीवन में आखिरी टाइम में, वो सभी सुख जो है भौतिक सुख और जो भी संसारिक सुख मिलते हैं वो इनको मिलेंगे, क्योंकि लाइनें भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बन रही है, ऐसी वल्ले की स्ट्रक्चर भी आपको बनती हुई दिखेंगी, जो बताता है कि ये धार्मिक नेचर है, धर्म से जुड़ा है, भगवान को मानने वाला ऐसा व्यक्ति है। तो गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना चीज़ों को दिलाता है, चीज़ों को जो कमियाँ होती हैं जीवन में वो पूरी होती हैं। ठीक है, दिख रहा है, और जितनी ज़्यादा स्पेस आपको गुरु पर्वत को मिलेगी उतना ही आपको बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। शनि पर्वत जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा यहाँ पर उभार नहीं है, ठीक है,
और भाग्य रेखा भी इसके ऊपर पहुंच रही है, तो आगे चलकर जीवन आपके लिए सफल होने वाला है ये देखने को आ रहा है। यहाँ पर एक सूर्य पर्वत पर एक शिक्षा की रेखा आपको नजर आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शिक्षा की रेखा नजर आ रही है, जो कह सकते हैं कि जातक पर नॉलेज काफ़ी अच्छी है। और एक सूर्य रेखा है जो मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर रुख कर रही है, ऐसे कुछ सूर्य रेखा आपको बनती हुई दिखेगी। जब सूर्य रेखा का जो जो एंगल है, या फिर हम कह सकते हैं कि मुड़ाव है, झुकाव है, जब मंगल क्षेत्र की तरफ हो जाता है, तो व्यक्ति कह सकते हैं कि अपने कर्मों के वजह से उसके जो अच्छे कर्म हैं, जो उसने पिछले जन्म में किए हैं या फिर इस जन्म भी कर रहा है, उसके वजह से उसका भाग्य उदय होगा, उसकी वजह से उसको सफलता मिलेगी। ऐसी सूर्य रेखा अचानक से भाग्य उदय करवाती है, और जब करवाती है तो काफ़ी चीज़ें उसके जीवन में अच्छी होती हैं, तो ये देखने को आ रहा है। ठीक है, तो सूर्य पर्वत दबे हुए नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। और कब मिलेंगे हम रेखाओं से मालूम करेंगे। और बुध पर्वत भी ठीक है, इसके ऊपर कोई एक सिंगल खड़ी लाइन बता रही है कि काफ़ी सिस्टमेटिक से चलने वाला व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर सिंगल लाइन है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, जीवन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, जहाँ पर जो फैसला लिया है उसी पर काम करना ऐसे व्यक्ति पर रहता है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत जो है काफ़ी अच्छी स्पेस में है, और जो भाग्य की जीवन रेखा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप सा बन रहा है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति घर से बाहर जाकर ही सक्सेस पाएगा, या फिर अपने परिवार से अलग होकर, या फिर घर किसी और स्टेट में, किसी और राज्य में, या दूर जाकर ही नौकरी करेगा, तभी सफलता मिल पाएगी, और ऐसा भी कार्य इनके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसी खड़ी लाइनों को देखें तो भाग्य में काफ़ी अच्छे मौके जो है इनके जीवन में आएंगे, तो ये अच्छी बात है। तो गुरु पर्वत, सॉरी, यहाँ पर शुक्र पर्वत जो है स्टार्टिंग में थोड़े दबे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर ये थोड़ी सी फ्लावट लिए हुए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, चंद्र पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, क्योंकि इसको स्पेस थोड़ी हल्की सी कम मिल रही है, तो कभी कभी जो है अग्रेशन आ जाता है, कभी कभी मन जो है शांत हो जाता है। एक यहाँ पर एलर्जी की लाइन, इन्फेक्शन की लाइन यहाँ पर बनती हुई आपको दिख रही है, कुछ ऐसी लाइन आपको चलती हुई दिखेगी, हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की सी है, और इसको हम एक तरह की हम अल्कोहलिक लाइन मानते हैं, या किसी तरह का नशे की ऐसे व्यक्ति को लत लग जाती है, ये होता है। दूसरी कंडीशन में होता है कि किसी तरह का एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है जातक को शरीर में लगा रहता है, और वो जीवन भर कुछ ना कुछ परेशान करता है। इनको शायद होगा भी, अगर नहीं है तो आगे चलकर हो सकता है। लाइन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा जीवन में या शरीर पर रहता है। चलिए आगे हम जीवन रेखा को देखते हैं, रेखाओं को देखते हैं। पहले तो आप इनकी जीवन रेखा को देखें, काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी सही जीवन रेखा है, इस पर कोई ऐसा कट वगैरह नहीं नज़र आ रहा है। और जीवन रेखा जो है एक मंगल रेखा भी आपको दिखेगी, जो जीवन को सपोर्ट प्रदान कर रही है। ये भी एक योग होता है जब जीवन को सफलता मिलती है। ठीक है, अगर हम प्रोग्रेस रेखाओं की बात करें, तो पहले एक प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और ये कम से कम 28वें वर्ष में बनने का प्रयास यहाँ पर इसका हो रहा है। ठीक है, 28वें वर्ष में, या फिर हम मान के चलेंगे 26वें वर्ष, 25वें वर्ष में एक भाग्य रेखा इनके साथ ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें एक ग्रोथ, इनकी बड़ी ग्रोथ इनको जीवन में मिली होगी, या किसी इनको नौकरी वगैरह मिली होगी, या फिर जीवन में इसको कोई भी ऐसा सुख मिला होगा, काफ़ी बड़ा मिला होगा। ठीक है, उसके बाद एक और जीवन, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस रेखा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये जो कम से कम मान के चलें कि 38वें और 37वें वर्ष में बनने का प्रयास हो रहा है, या फिर 36वें वर्ष भी वो आप मान के चल सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है, कम से कम 35 के बाद वाला पीरियड आ रहा है, 35, 36 और 38 के बीच में लाइन बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य उदय का जो मेन पीरियड है, जो ग्रोथ है, वो 35 के बाद दिख रही है, वैसे ही आपको जीवन रेखा पे ये फ्लो दिख रहा है। ये काफ़ी बड़ी है, छोटी मोटी प्रोग्रेस लाइन नहीं है, तो काफ़ी बड़ा योग इनके हाथ में ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और जीवन रेखा भी काफ़ी सही है, आगे तरफ पीछे तरफ मुड़ रही है, और कह सकते हैं कि पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा इनको, और कह सकते हैं कि जीवन में कोई ऐसी तंगी या परेशानी नहीं आने वाली। आगे चलकर 35 के बाद काफ़ी अच्छा भाग्य उदय आपका होने वाला है। अगर हम इनके कैटलाइन की बात करें, फेट लाइन की बात करें, तो फेट लाइन स्टार्ट तो हुई थी,
ठीक है, स्टार्ट तो हुई थी लेकिन यहाँ पर धुंधली चली गई है। मतलब स्टार्ट तो हुई थी लाइन, मतलब काम काज चला था, लेकिन कह सकते हैं कि 25वें वर्ष में या फिर 23वें वर्ष में उसमें कुछ स्ट्रगल देखने को मिला है, और ये स्ट्रगल जो है कम से कम मान के चले कि 35 तक चल रहा है। जैसे इनकी उम्र 33 साल है तो स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइन काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो रही है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइन काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो रही है। लेकिन जब 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 यहाँ पर इनका 29वां वर्ष शुरू हुआ है, 30वां वर्ष शुरू हुआ है, उसमें लाइन थोड़ी सी डार्क होती हुई चल रही है, और 35 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट और काफ़ी ज़्यादा जो है सही यहाँ पर इसका फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। तो वो जीवन में देखने को मिल रहा है कि जो इनका पीरियड चल रहा है, अब इनका बस 1 से 1.5 साल है, उसके बाद भाग्य उदय हो जाएगा, उसके बाद आपके चीज़ें हैं धीरे धीरे काफ़ी अच्छी होती हुई आपको दिखेंगी। तो भाग्य रेखा 35 के बाद काफ़ी अच्छी, उसके पहले स्ट्रगल दिख रहा था और ये स्ट्रगल अब कटने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा छोटी है लेकिन बिल्कुल सीधी है, और इसमें जीवन रेखा में मस्तिष्क रेखा में जो है गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये बताता है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब अपने फैसले खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरों का हस्तक्षेप जो है पसंद नहीं करते हैं। तो अपने फैसले खुद लेना ये अच्छी बात है, कभी कभी थोड़ा नुकसान देती है क्योंकि जल्दबाजी में फैसले व्यक्ति कर लेता है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई दोष वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट माइंड और काफ़ी ज़्यादा कोई प्लान में चेंज नहीं लाना, बिल्कुल सीधा यहाँ पर काम करना, ऐसी फितरत यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा बिल्कुल यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है। तो अपने काम से मतलब किसी के दूसरे में काम में काम ना डालना, सिस्टम से काम करना और अपने काम को किसी तरीके से निकलवा लेना, ऐसी जातक की फितरत में रहता है। और काफ़ी ये ऐसे व्यक्ति रूढ़ दिखे गए हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ये व्यक्ति इमोशन में बहते नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये देखने को आ रहा है। हल्का सा यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन पहले बनी थी, यहाँ पर बनी थी, ये स्टार्टिंग एज है, चली चुकी है, पहले बीमारी इनको हुई होगी स्टार्टिंग एज में, बहुत स्टार्टिंग एज में। और इसकी एज में एक और यहाँ पर रेखा बन रही है जो पेट से जुड़ी परेशानी और आँख से जुड़ी दिक्कतें आपको दे सकती है, कि यहाँ से आइलैंड जो है थोड़े छोटे बनते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो पेट से जुड़ी और आँख से जुड़ी जो है समस्या आपको रह सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन आँख में या पेट में आपको परेशान कर सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा दोष नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे चलकर जो जी है एक अच्छा आपको अवसर देगा, और अवसर जो है काफ़ी अच्छे जीवन में आपके आने वाले हैं आने वाले टाइम में, कम से कम जो 1 से 2 साल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन किया था भाग्य उदय को लेकर किस्मत कब का साथ देगी, स्ट्रगल अभी चल रहा है, स्ट्रगल तो दिखा था लेकिन अब यहाँ पर चीज़ आपके लिए अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा पूरी प्रेडिक्शन थी, आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।